जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज हम इस वक्त हैं मेरठ में और मेरठ में हमारे साथ है धर्मपाल जी जनवादी जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कोऑर्डिनेटर मेरठ जोन। धर्मपाल जनवादी जी से हम बात करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी में क्या चल रहा है इस समय, क्या गतिविधि देखने को मिल रही है। जैसे कि मेरठ दक्षिण सीट से इमरान कुरैशी जी को घोषित कर दिया गया है 2022 के प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने, और हस्तनपुर क्षेत्र से भी घोषित कर दिया गया प्रत्याशी। जी जनवादी जी, क्या चल रहा है इस समय पार्टी में? सबसे पहले तो मैं आपके उमेश करुणा जी को मतलब जो है सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा, और पूरे क्षेत्र की जनता के लिए मैं चाहूँगा कि आज जो है 1 जनवरी है, उसी मतलब परिप्रेक्ष्य में आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ। और हम जो है बहुजन समाज पार्टी, जो हमारे इस क्षेत्र के लिए, पूरे मेरठ मंडल के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए भरपूर कोशिश कर रही हैं कि इस बार जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सीट निकाल करके हमारे जो है विभिन्न पदाधिकारी हैं लगे हुए हैं, शमसुद्दीन राय जी हैं, बाबू मुनकादली जी आगे हैं, जो हमारे पूर्व में राज्यसभा सांसद रहे हैं और प्रदेश मतलब राष्ट्र के महासचिव भी रहे हैं, वो इस क्षेत्र में लगाए हैं, मुस्लिम बाहुल्यों में वो काम कर रहे हैं और उनका बहुत ही अच्छा प्रभाव हमारे इस प्रदेश के अंदर रहा है। तो हम लोग अब जैसा हमारे यहाँ पे मेरठ दक्षिण से हाजी इमरान याकूब कुरैशी जी को चुनाव की मतलब जो है घोषणा होने वाली है, हम उनके लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं और हम यहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों में मेरठ दक्षिण की सीट निकाल करके देंगे। ये हम सब बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे जो जितने भी पदाधिकारी हैं और कार्यकर्तागण हैं, उन सब ने कमर कस ली है और हम इसके लिए बहुत ही मेहनत करेंगे, रात दिन मेहनत, जी तोड़ मेहनत करेंगे। हम जो है हाजी इमरान कुरैशी जी को यहाँ से भारी मतों से जिता करके उनको विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, जिससे बहन जी आने वाले 2022 के चुनाव में 5 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगे। धर्मपाल जी, तो मेरठ दक्षिण सीट की बात हो गई और इसके अलावा जो 6 सीटें और भी है मेरठ में, 7 सीट है विधानसभा की, उन पर क्या तैयारी चल रही है? हाँ, हस्तनापुर की विधानसभा सीट पर जो है हमारे भाई संजय जाटव जी पेट्रोल पंप वाले, उनको टिकट दिया गया है, और सरधना विधानसभा सीट से जो है हमारे जो है संजीव धामा जी, उनको टिकट दिया गया है, और अभी बाकी विधानसभा पे जो है चर्चा चल रही है, बहुत लंबी लाइन लग रही है टिकटार तो की मतलब जो मजबूत उम्मीदवार है उनको, हाँ जो मजबूत उम्मीदवार होगा, जिताऊ उम्मीदवार होगा, उसी को टिकट दिया जाएगा। और मेरठ में से हम जो है 7 सीट पे जीतने की मतलब जो है हमारी तैयारी जारी है जी। तो इससे अलावा और क्या चल रहा है पार्टी की गतिविधि में? पार्टी ने जो बहन जी ने पिछले अपनी जब बहन जी की सरकार थी, ये सभी जन जन तक मतलब जो है पूरे प्रदेश में जन जन तक की यही पुकार है कि जितना मतलब जो है शासन प्रशासन बहन जी ने किया है, बहन मायावती जी ने किया है मुख्यमंत्री रहते हुए, उतना अच्छा शासन किसी भी सरकार ने नहीं किया है, और जितने कार्य बहन जी के शासनकाल में मैं उन सब की पुनरावृत्ति करके ये बीजेपी की सरकार, इनके मंत्री, ये लोग जो हैं अपना फीता काट के इनका उद्घाटन कर रहे हैं, ये जितने हाईवे हैं, जितने भी हाईवे हैं सब ये बहन जी की ये देन है, और जो प्रोडक्ट है या मेट्रो का है इसको भी ये सब बहन जी की सरकार ने मतलब जब प्रस्तावित किया हुआ था जी। तो इसके अलावा और जो है बहुजन समाज पार्टी में इस समय रैलियां है, रैलियों का क्या चल रहा है? हाँ, बहन जी जो है रैलियां, जैसा माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, उनको बहन जी ने मतलब जो है तैयार किया हुआ है कि आप मतलब जो है ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम करेंगे। बाबू मुनकादली जी हैं, माननीय धर्मवीर अशोक जी हैं, और भीमराव अम्बेडकर साहब जी हैं, जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, सिद्धार्थ सिंह जी हैं, और बहुत सारे हमारे मतलब विभिन्न पदों पर जो काम कर रहे हैं वो अपने क्षेत्रों में जाकर करके पूरे प्रदेश के अंदर यहाँ से जो है ज़्यादा विधानसभा में भेजने का काम हमारे बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं, और कार्यकर्ता भी कमर कस के मतलब एकजुटता के साथ इस अभियान में लगे हुए हैं जी। ये धर्मपाल जनवादी जी जो बसपा के वरिष्ठ नेता कहलाते हैं और पूर्व कोऑर्डिनेटर भी है, इन्होंने बताया बहुजन समाज पार्टी की क्या इस समय रूपरेखा है, क्या तैयारी चल रही है। तो मैं उमेश करुणा, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।